केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सीएपीएफ में कांस्टेबल पदों के लिए अब से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन कराने को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा ये ऐतिहासिक फैसला केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ के स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन करने के लिए दिया गया है। सीएपीएफ में कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषा में तैयार किया जाएगा। यह नया नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि एक ऐतिहासिक फैसले में गृह मंत्रालय ने 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी कांस्टेबल सीएपीएफ की परीक्षा कराने का फैसला किया। ये सीएपीएफ के स्थानीय युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देगा। निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्रीय भाषाओं के विकास व प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है कि सीएपीएफ में खाली पदों की संख्या 84,000 से ज्यादा है। इन पदों को भरने के लिए समय समय पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। युवाओं ने बड़ी संख्या में इन नौकरियों के लिए अप्लाई भी किया है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अपनी मातृभाषा में एग्जाम देने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे उम्मीदवारों की चयन की संभावना बढ़ सकेगी।